अगली खबर में बात करते हैं बोरवेल में गिरे 8 साल के तन्मय साहू को लेकर। मांडवी गांव में मंगलवार शाम बोरवेल में गिरे 8 साल के तन्मय साहू को सुरक्षित निकालने के लिए युद्ध स्तर पर बचाव अभियान पिछले 70 घंटे से चलाया जा रहा है। NDRF और SDIRF की टीम द्वारा बोरवेल के समानांतर 46 फीट का गड्ढा कर शुक्रवार 3 बजे तक करीब 9 फीट लंबी सुरंग बनाई जा चुकी है। तन्मय तक पहुंचने के लिए अब मात्र 3 फीट सुरंग बनाई जानी बाकी है। सुरंग बनाने के दौरान मिट्टी धसकने के कारण अब मशीनों का उपयोग बंद कर हाथों से खुदाई कर मलबा निकाला जा रहा है। शुक्रवार को कलेक्टर अमनवीर सिंह बैस भी हेलमेट लगाकर उस स्थान पर उतरे जहां से सुरंग बनाई जा रही है। कलेक्टर बैस ने बताया कि लगभग 3 फीट सुरंग की खुदाई शेष रह गई है। मलबा बाहर निकालने के लिए कुछ देर के लिए काम रोका गया है। अभी भी तन्मय के शरीर में कोई हरकत नजर नहीं आ रही है। मौके पर डॉक्टरों की टीम मौजूद है जो तन्मय को बाहर निकालने के तत्काल बाद परीक्षण करेगी और अस्पताल पहुंचाने का निर्णय लेगी। उन्होंने बताया कि तन्मय के परिजनों से सतत संपर्क में है और उन्हें जानकारी भी दी जा रही है। होमगार्ड कमांडेंट SR आजमी के मुताबिक सुरंग बनाने के दौरान पानी का तेजी से रिसाव हो रहा है। कुछ देर खुदाई करने के बाद मोटर पंप की मदद से पानी बाहर निकाला जा रहा है। शुरुआत में सुरंग की खुदाई करने के लिए गांव के युवाओं की भी मदद ली गई थी। इसके बाद NDRF की टीम सुरंग बना रही है। खुदाई करने के साथ लोहे की प्लेटों को नट बोल्ट से कसकर बॉक्स बनाते हुए टीम आगे बढ़ रही है। कलेक्टर अमनवीर सिंह बैस ने बताया कि यह ध्यान रखेंगे कि बोरवेल को कोई क्षति ना हो, इसके बाद मशीन से खुदाई नहीं करेंगे। तन्मय की स्थिति के बारे में कलेक्टर बैस ने बताया कि कोई रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है। तन्मय को बाहर निकालने के लिए सुरंग बनाने 50 फीट खुदाई की गई। शुक्रवार सुबह से भी सुरंग बनाने का काम जारी है। नीचे पानी आने से खुदाई बंद करना पड़ता है। पानी बाहर निकालने के बाद कार्य शुरू हो पाता है। खुदाई पूरी होने के बाद बोरवेल तक 7 फीट लंबी सुरंग बनाना शुरू होगा। अपर कलेक्टर श्यामेन जायसवाल ने बताया कि बोरवेल के पास 45 फीट की गहराई पर मजबूत चट्टान आ गई थी। उसे तोड़ने के लिए ब्रेकर मशीन की मदद ली गई जिसमें काफी समय लगा। इसके अलावा बचाव दल के सामने जमीन के भीतर से पानी निकालने से बड़ी समस्या आ रही है। इस पानी को 2 मोटर पंप की मदद से बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। पानी निकालने के बाद खुदाई की जाती है और मलबा बाहर किया जाता है। कुछ देर बाद फिर से पानी भर जाता है।